हेलो दोस्तों, मैं अविनाश घोंगटे। चलिए आज हम महाराष्ट्र के एक और पर्यटन स्थल को चलते हैं। महाराष्ट्र तथा मराठों के इतिहास में अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसी चीज का है तो वो है किलो का। आज हम रुक करते हैं एक महान इतिहास के साक्ष लोहगढ़ किले का। लोहगढ़ किले के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। लोहगढ़ किला पुणे से 52 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लोनावला हिल स्टेशन के पास है। पुणे से मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे से आप लोहगढ़ जा सकते हैं। रास्ते में आपको भाजे गुफाएं तथा भाजे वाटरफॉल देखने को मिलेगा। खूबसूरत वादियां तथा हरे भरे पहाड़ों के बीच का रास्ता सफर को और भी खुशनुमा बनाता है। लोहगढ़ और विसापुर आमने सामने हैं, उनको जुड़वा किले भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। किले के पास पहुंचने पर आपको मुलाकात इन बंदरों से हो जाएगी जो कि किले पर हर जगह मिलेंगे। अपने खाने पीने की चीजें इनसे छुपा के रखिए। आपको यहाँ फ्री पार्किंग मिलेगी। किले पर चढ़ने के लिए अंत तक सीढ़ियां है। हर उम्र के लोग इस किले के चढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। किले की चढ़ाई के लिए लगभग 1 घंटा लगेगा। किले के प्रवेश के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। जैसे जैसे हम किले के ऊपरी भाग पर चढ़ते हैं, सह्याद्री पर्वत के खूबसूरत नजारे आपका मन मोह लेंगे। लोहगढ़ किले में मुख्य 5 दरवाजे हैं। गणेश दरवाजा, महादरवाजा, नारायण दरवाजा, नाना दरवाजा और हनुमान दरवाजा। गणेश दरवाजा भगवान गणेश जी की प्रतिमा, मजबूत कुंडिया और लकड़ी के विशाल दरवाजे के साथ आज भी खड़ा है। यहाँ से अंदर आने के बाद आपको इतिहासकालीन तोपे नजर आती है। इन तोपों के पास ही एक शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पास में ही एक छोटा दरवाजा है जिसे गुप्त दरवाजा भी कहते हैं। ये एक गुप्त मार्ग है जो किले पर गुप्त तरीके से आने या जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद किले का सबसे खूबसूरत दरवाजा है। ये एक बुलंद तथा मजबूत दरवाजा है। किले की इसी मजबूती के कारण इसका नाम लोहे सा मजबूत यानी कि लोहगढ़ पड़ा। इसके बाद हम आते हैं नारायण दरवाजे के पास।
इसके थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद दो और दरवाजे हैं, नाना दरवाजा और हनुमान दरवाजा। इसको महादरवाजा भी कहा जाता है। भगवान हनुमान जी की प्रतिमाएं, खूबसूरत शिल्पकला आपको इस दरवाजे पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आप किले पर प्रवेश कर लेते हैं। सामने ही आपको एक राजा रानी का मंदिर दिखता है, वास्तव में ये एक मकबरा है। इसके बाजू में एक इमारत का ढांचा है जिसे शिवकालीन सभागृह कहा जाता है। यहाँ पर कुछ खूबसूरत तोपे रखी हुई है। यहाँ से विसापुर किला तथा पौना डैम का खूबसूरत नजारा दिखता है। इसके आगे जाने पर किले के निर्माण में लगने वाले चूने के भट्टी का विशाल पत्थर से बना चक्र दिखता है। इसके आगे पुरातन हनुमान तथा महादेव जी का मंदिर है। यहीं पर एक अष्टकोणी त्र्यंबक तालाब है जिसमें साल भर पानी रहता है। किले पर पानी के बहुत से तालाब है। पुरातन समय में किलों पर पानी का महत्व अनन्य साधारण था। यहाँ पर एक पीने के पानी का कुआं भी है जिसका इस्तेमाल आज भी पीने के लिए किया जाता है। हत्ती तालाब किले का सबसे बड़ा तालाब है। इसका निर्माण नाना फडणवीस ने किया था। ये एक 16 कोनों वाला बहुत बड़ा तालाब है। इसके आगे का रास्ता विंचुगड़ा की ओर जाता है जिसे स्कॉर्पियन टेल भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको संभाल के जाना होगा। सीढ़ियाँ ना होने के कारण ये रास्ता जरा मुश्किल है। ये बिच्छू के पूंछ की तरह फैला एक पहाड़ी का हिस्सा है जिसे किले का ही भाग बनाकर तटबंदी दी गई है। लोहगढ़ किले से आपको विसापुर किला, तुंग किला, मोरगिरी किला तथा पौना डैम का खूबसूरत नजारा दिखता है। लोहगढ़ किला इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण किला था। किले पर एक दरगाह भी है जिसे मड़वली दरगाह कहा जाता है। दोस्तों, लोहगढ़ किले का निर्माण ईस्वी सन पूर्व 700 साल पहले का माना जाता है, जिस पर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहामनी, निजाम, मुगल और मराठों ने शासन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को 1648 में जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन 1665 के पुरंदर के तह में इस किले को मुगलों को देना पड़ा, लेकिन 5 सालों बाद ही मराठों ने इसे वापस हासिल कर लिया। पेशवा काल में इस किले की देखभाल नाना फडणवीस ने की, जिन्होंने किले पर बहुत से निर्माण कार्य करके इसे और मजबूत बनाया। सबसे आखिर इस किले का अंग्रेजों ने जीता और एक महान इतिहास का अंत हुआ। दोस्तों, इतिहास हमें अक्सर हमारे अतीत की याद दिलाता है। कितने ही राजा आए गए लेकिन उनका निर्माण आज भी है। किले से निकलते वक्त एक महान इतिहास के पन्ने को देख कर आने का परम सुख हम साथ में लेकर लोहगढ़ से लौटते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखिए। धन्यवाद।